सिल्वर कलर और गोल्डन कलर, ये दोनों कलर हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल जैसे दिव्य और दृष्टि, ये दोनों भी हमेशा एक दूसरे को देखिए कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। झूम कर नाची दिव्या और दृष्टि। रक्षित और शिखर ने भी किया जमकर डांस धमाल, क्योंकि आ गया है नया साल। जी हाँ, आज दिव्या और दृष्टि के घर पर रखी गई है न्यू ईयर पार्टी, जहां आज दोनों बहनें बाबी डॉल बनकर इस पार्टी में अपने डांस से चार चांद लगा रही हैं, और साथ ही रक्षित और शिखर भी मैजिक लाइट में अपने डांस मूव्स दिखा रहे हैं। ये हमने सोचा था कि हम न्यू ईयर्स के लिए थोड़ा मूड लाइट करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए फैमिली के लिए, बट एंड मोमेंट पे पिशाचनी ने रक्षित और शिखर को कैद कर लिया है और हमारे पास बस कुछ मिनट बचे हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। असल में ये पिशाचनी का ही बिछाया हुआ जाल है, और दिव्या और दृष्टि भी इस बात से वाकिफ है कि उनके रक्षित और शिखर कहीं कैद है। और तो और, पिशाचनी ने दोनों बहनों को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है असली रक्षित और शिखर को ढूंढने की, इसलिए दोनों बहनें पहुंच गई हैं उस जादुई गुफा के पास। लेकिन वहां पर कई सारे डुप्लीकेट्स रक्षित और शिखर को देखकर दोनों बहनों को गुस्सा आ गया, और दोनों बहनों ने नकली रक्षित और शिखर पर वार कर दिया। जी हाँ, ड्रामा चल रहा है, रक्षित शिखर काफी मल्टीप्लाई हो गए हैं, कंफ्यूजन हो गई कौन असली है कौन नकली है, तो वो पता लगा रही हैं, दिव्या दृष्टि ढूंढ रही हैं, तो देखते हैं भी पता चलेगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। यही तो पिशाचनी हमेशा ऐसे ही करती है, छोटी सी प्रॉब्लम को वो और बड़ा बना देती है, एंड शी मेक्स श्योर कि दिव्या दृष्टि कभी कामयाब नहीं हो पाए, बट ऐसा कभी होता नहीं है, दिव्या दृष्टि ऑलवेज फाइंड देयर वे बैक। साचनी और लाल चकोर ने मचा दी है मौत की तबाही, बना के हजारों नकली रक्षित और शिखर, दिव्या दृष्टि को है असली वालों की तलाश। क्या आज की रात होगी कयामत की रात? बिल्कुल सही कहा दृष्टि, इसीलिए तो घर में न्यू ईयर पार्टी रखी गई है, ताकि इस जश्न में पिशाचनी को उलझा सके और डांस के बहाने असली रक्षित और शिखर का पता लगा सके। और देखिए हुआ भी वही, वक्त खत्म होने से पहले ही असली रक्षित और शिखर इस पार्टी में आ गए, और पिशाचनी को हार की धूल चाटनी पड़ी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।